लेकर के एक सबसे बड़ा मामला यह सामने आया है कि एयरपोर्ट कहां पर बनाया जाए, और सरकार जिस तरीके से चाहती है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पर एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर के घोषणा की है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता और ने सवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने प्रस्तावित श्रीराम एयरपोर्ट को शहर से दूर बनाने की मांग उठाई है, और सपा कार्यालय में किसानों के साथ प्रेसवार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि अयोध्या में पवन पांडे ने कहा है कि अयोध्या में जिस तरीके से गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी सहित अन्य जिलों में एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उसका उदाहरण देते हुए श्रीराम एयरपोर्ट को भी शहर से दूर यानी आबादी से दूर बनाया जाए, और इसकी मांग उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर के पवन पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको। श्रीराम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। कोई भी अयोध्यावासी एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम सारे लोग चाहते हैं एयरपोर्ट बने, लेकिन जो किसानों की उपजाऊ भूमि है, जो खेती बाड़ी होती है, पहले तो हमारी मांग यह है कि जिस तरह से लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है, गोरखपुर में आबादी से दूर एयरपोर्ट है, बनारस में बाबतपुर एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई कहीं भी आप देख लीजिए जहां पर घनी आबादी है उससे 15-20-25 किलोमीटर दूरी पर ही एयरपोर्ट बना हुआ है। पहली हमारी मांग यह है कि एयरपोर्ट भी फैजाबाद घनी आबादी से दूर बनाया जाए। अगर सरकार को कोई दिक्कत है, अगर सरकार गंजा, धर्मपुर, कुटिया इन गांव की जमीनों को लेना चाहती है, तो हमारी दूसरी मांग यह है कि जो मुआवजा आप जनौरा ग्राम सभा के लोगों को दे रहे हैं, जो आप जनौरा ग्राम सभा की जमीन का मुआवजा दे रहे हैं, वही मुआवजा आप गंजा, कुटिया, धर्मपुर के किसानों को भी दीजिए, क्योंकि एक ही प्रायोजन में जब आप जमीन ले रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सभी किसानों को बराबर मुआवजा दिया जाए। जो मुआवजा आप जनौरा में दे रहे हैं वही मुआवजा आप धर्मपुर भी दीजिए, गंजा भी दीजिए, कुटिया भी दीजिए, सारे किसानों को समान मुआवजा दिया जाए, इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप भेदभाव करेंगे, बल्कि हमारी तो ये मांग है, हम समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग करते हैं कि किसानों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाकर, जो आज है सर्किल रेट उसे बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। अगर आप भगवान राम के नाम पर बना रहे हो एयरपोर्ट, तो उसमें तो और किसानों को आपको प्रसन्न करना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर उनको तवज्जो देकर, उनका सम्मान करके, उनकी जमीन लेकर के न्याय देना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। अगर हमारी मांगे न पूरी हुई तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर संविदा लागू करने को लेकर के निशाना साधा है पवन पांडे ने, और पवन पांडे ने कहा है कि इस तरीके से सारे मुख्यमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उन सबके पद भी संविदा पर कर दिए जाने चाहिए। आइए देखते हैं मनोज पांडे ने। योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है, लेकिन उत्तर प्रदेश को संभाल पाने में 0 है, इनका रिपोर्ट कार्ड 0 है, इनको भी हटा देना चाहिए और नए मुख्यमंत्री को ले आना चाहिए, इनको भी संविदा टाइप का मुख्यमंत्री रखना चाहिए, ये मांग करते हैं। इनके मंत्री संविदा टाइप के होने चाहिए, हर 6 महीने पर इनका एग्जाम हो, इनका कार्य विभाग में ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसके बाद इनको हटा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यवस्था जनता पर लागू करना चाहते हो, जो व्यवस्था आप इस प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों पर, BSc, MSc, MCom, MTech, MBA किए हुए नौजवानों पर लागू करना चाहते हो, वही व्यवस्था पहले अपनी सरकार पर लागू करो। संविदा वाले विधायक लाओ, संविदा वाले सांसद लाओ, संविदा वाले मंत्री लाओ, संविदा वाले मुख्यमंत्री लाओ। जब अपने ऊपर इसको स्वीकार करो, तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर ये गुजरात की काली नीति ठोकने का प्रयास करना, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के नौजवान ने मन बना लिया है, ये जो आपके दिया और थालियां पीटने का ड्रामा था जनता को भरमाने का, जनता ने उसी ड्रामे के रूप में आपको जवाब देने का काम किया है। पूरे प्रदेश के नौजवानों ने थालियां पीट कर बता दिया है कि अब की प्रदेश में अपराध को लेकर के बाढ़ आ गई है। पवन पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। डकैती, लूट, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छम मुख्यमंत्री हैं, जो कानून व्यवस्था संभाल पाने में अच्छम हैं। अभी महोबा में जो घटना हुई है, जिस तरह से DM और कप्तान वसूली में लिप्त पाए गए,
और मृतक त्रिपाठी जो व्यापारी था जिसकी हत्या हुई, गोली मारी गई, जिसकी कल रात में डेथ हो गई, उसने अपना वीडियो जारी किया था कि पुलिस कप्तान डीएम ने मुझसे पैसा मांगा, 6-6 लाख रुपया वसूली की, और अगर मेरी हत्या होती है तो समझ लीजिए कप्तान ने मेरी हत्या कराई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं डीएम कप्तान पर हत्या का मुकदमा दर्ज करे, उनको जेल भेजे। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि योगी सरकार अक्षम सरकार है, इनके डीएम कप्तान हत्या करा रहे हैं, लूट करा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह भी कहा कि जो दीपक जलाओ कार्यक्रम किया गया और कैंडल जलाई गई, उसने यह सरकार को बता दिया है कि सरकार किस तरीके से लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है और लोग सरकार के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर लोग सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो सरकार को उखाड़ भी फेंक बता दिया है कि तुमने जो अंधकार नौजवानों की जिंदगी में लाया है, हम तुम्हारी सरकार को हटा कर दिया जमाएंगे और तुम्हारी सरकार को हटाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी नौजवानों ने दिया जलाकर बता दिया। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये जो काले कानून बना रहे उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे, नौजवान तुम्हारे इस काले कानून को नहीं मानेंगे। अगर काला कानून थोपना चाहते हो तो पहले 5 महीने का अपना, 6 महीने का अपना मुख्यमंत्री संविदा का बनाओ और उसके भी कार्य प्रणाली की समीक्षा करो। अगर कार्य प्रणाली इसी खराब है, जनता उसको नकार रही है, तो नया मुख्यमंत्री बनाकर दिखाओ, तब संविदा पर नौजवानों को रोजगार देने की बात करो, वरना तुम्हारी पूरी बेबात बेईमानी होगी। और जिन नौजवानों ने तुमको तुम्हारी सरकार बनाई है, तुम उन नौजवानों को ठगना चाहते हो, उन नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, तो नौजवान आज तुम्हारे छांसे में नहीं आएगा, तुम्हारी सरकार को उखाड़। उत्तर प्रदेश में नए फोर्स के गठन को लेकर के भी पवन पांडे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस फोर्स का गठन कर रहे हैं वह किसी के अंडर में नहीं होगी। ऐसे में एक ऐसी फोर्स का गठन किया जा रहा है, एक ऐसे बल का गठन किया जा रहा है जो लोगों पर अत्याचार करेगा, लोगों पर कानूनी कार्रवाई से पहले ही उन्हें परेशान किया जाएगा और विपक्ष को दबाने की एक बड़ी योगी एक स्पेशल फोर्स का गठन कर रहे हैं, वो किसी के अंडर में नहीं होगी, केवल योगी जी के अंडर में होगी, ना मजिस्ट्रेट के अंदर में होगी, ना अपने अधिकारियों के अंडर में होगी। जब योगी जी सदन में बयान देते हैं ठोक दो, तो ये ठोकने के लिए एक फोर्स का गठन योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। जो लोग योगी जी को अच्छे नहीं लगते, जो लोग भाजपा का झंडा नहीं लगाते, जो किसी और दल का झंडा लगाते हैं, जो योगी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इनकी कमियों को उजागर करेंगे, इनकी गलत नीतियों का के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये योगी जी की फोर्स उनको ठोकने का काम करेगी। माने खुला एनकाउंटर करने के लिए, फर्जी एनकाउंटर करने के लिए योगी जी फोर्स का गठन कर रहे हैं। हम इस गठन के भी औचित्य पर सवाल उठाते हैं कि ये गठन एक समझ लीजिए एक तरह से अराजकता फैलाने के लिए और ठोकने के लिए योगी जी अपनी एक निजी फोर्स बना रहे हैं। हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, इस फोर्स के गठन पर, इसके औचित्य पर सवाल उठाते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को संभाल पाने में अक्षम है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हत्या डकैती लूट बलात्कार चरम पर है। राष्ट्रपति महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करिए, लोगों को न्याय दीजिए, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज सबसे ज्यादा आप बताइए, दलित मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, यादव मारे गए, कुर्मी मारे गए, पासी मारे गए, धोबी मारे गए, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जो न मारी गई हो, मुसलमान मारे गए, सारे जाति बिरादरी मजहब के लोग मारे जा रहे हैं, बारी बारी सबको ठोकने की प्रक्रिया चल रही है। और आज ब्राह्मणों पर तो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लगातार मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कोई न्याय देने वाला नहीं है। जो अपराधी हैं वो मारे, जो अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रही योगी आदित्यनाथ की सरकार, अपराधी योगी जी की गोद में जो उनके अपने अपराधी हैं, और जो आम जनता है वो ठोकी जा रही है। हम न्याय की मांग करते हैं, न्याय दिया जाए, फर्जी एनकाउंटर फर्जी हत्याएं बंद कराई जाए, वरना आने वाले 22 के चुनाव में जनता ने मन बना लिया है 22 में सरकार को उखाड़ फेंक कर श्री अखिलेश यादव जी को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री। We'll be right back.